Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. मैं रामवीर राजपूत स्वागत करता हूँ इंडिया के number one study learning channel Wi-Fi Study में. और पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी, पिछली क्लास में हमने वेल्डिंग पर बात की थी और वेल्डिंग हमने कंप्लीट कर ली थी. देखो थर्मिस्ट वेल्डिंग हमने कंप्लीट कर ली है, गैस वेल्डिंग कंप्लीट कर ली है ना. वेल्डिंग के अकॉर्डिंग, वेल्डर ट्रेड के अकॉर्डिंग हमें वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग थोड़ा एक बार और देखना है ना. और इसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग वगैरह हमारे को और देखना है ना. और अब जो आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली बात करने वाले हैं तीन वेल्डिंग जो आपके सामने दिखाए, मतलब अभी बताई थी. एक तो सीम वेल्डिंग, एक स्पॉट वेल्डिंग और एक आपकी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग. ठीक है, राम राम साहब, सभी को राम राम. ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. पिछली क्लास में हमने कौन सी वेल्डिंग पढ़ी थी, पिछली क्लास में शायद हमने पढ़ी थी आपकी TIG और MIG. जरा TIG को रिपीट करता हूँ मैं एक और बार. TIG वेल्डिंग निम्न से निम्न गलनांक के जॉब पर की जाती है. इसका वेल्डिंग जॉइंट एयर प्रूफ और गैस प्रूफ रहता है, मतलब गैस प्रूफ रहता है. ठीक है, इसके साथ साथ ये कि मतलब वाटर प्रूफ भी इसका जॉइंट प्राप्त होता है. ठीक है, बाकी और वेल्डिंगों में ऐसा नहीं है. बाकी सब वेल्डिंग पानी या गैस को क्या कर सकती है, लीकेज कर सकती है. दूसरी बात, निम्न से निम्न गलनांक और पतली से पतली शीट पर की जा सकने वाली वेल्डिंग कौन सी है, TIG वेल्डिंग है. और अगर बात करें एयरक्राफ्ट की बात करते हो तो एयरक्राफ्ट पर कौन सी वेल्डिंग होती है, TIG वेल्डिंग. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पर कौन सी वेल्डिंग होती है, TIG वेल्डिंग. और इसके साथ साथ TIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक सप्लाई के रूप में AC का यूज़ किया जाता है. TIG वेल्डिंग के अंदर केवल AC का यूज़ किया जाता है. अच्छा, अब बात करते हैं MIG वेल्डिंग. MIG वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना. और उस उसके लिए हम जो इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं वो DC सप्लाई यूज़ करते हैं. इसके साथ साथ MIG वेल्डिंग उच्च से उच्च गलनांक वाले जॉब पर की जाती है ना, उच्च से उच्च गलनांक वाले जॉब. इसके साथ साथ आपके TIG वेल्डिंग का जो जॉइंट है वो भी एयर प्रूफ और गैस, मतलब वाटर प्रूफ और गैस प्रूफ होता है. ठीक है, इसके साथ साथ ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर रहता है, वो ऐसे स्थानों पर जहाँ ज़्यादा प्रेशर रहता है वहाँ पर MIG वेल्डिंग की जाती है. जैसे रेलवेज के अंदर जो आपके जितने भी अपने ब्रेकिंग सिस्टम है, तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जो यूज़ में किया जाएगा, जो वेल्डिंग की जाएगी इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम में, वो भी कौन सी होगी, आपकी MIG वेल्डिंग होगी. अगर हम बात करते हैं बॉयलर पर, तो बॉयलर पर भी MIG वेल्डिंग होगी. ठीक है, MIG वेल्डिंग बोल रहा हूँ मैं ना, हर जगह अभी रेलगाड़ी ट्रेन के अंदर MIG, बॉयलर में MIG. अगर हैवी प्रेशर से कोई लाइन जा रही है जिसके अंदर से कुछ हैवी फ्यूल या कोई भी ऐसी चीज़ जा रही है, तो वहाँ पर भी MIG. इसके साथ साथ हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी MIG. ठीक है, इसके और वायुयान जो समताप मंडल में उड़ता है. एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, वायुयान बड़े होते हैं, एयरक्राफ्ट हल्के होते हैं, वायुयान भारी होते हैं. वायुयान बने होते हैं एल्यूमिनियम एलॉय के. एल्यूमिनियम एलॉय में यानी इनमें निकल की मात्रा ज़्यादा रहती है. और जब हम वायुयान को तैयार करते हैं तो यहाँ पर भी जो वेल्डिंग उपयोग में ली जाती है वो कौन सी वेल्डिंग है, आपकी MIG वेल्डिंग. आपको पता होना चाहिए, पहले जब प्लेन बनाए जाते थे तो उन प्लेन पर रिविट जॉइंट किया जाता, रिविट लगाई जाती थी, बहुत सारी रिविट लगाई जाती, तब जा करके हमारा वो प्लेन बन के तैयार होता था.
और पूरे तरीके से उसे एयर प्रूफ रखे किया जाता था। बहुत मुश्किल आती थी इन सबको, और पहले के विमान थोड़ा भारी भी हुआ करते थे। आज के टाइम में एल्युमिनियम एलॉय के बन रहे हैं और ये हल्के भी हैं, प्लस इसके ऊपर जो वेल्डिंग है जो MIG वेल्डिंग है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जलयानों पर, यानी कि इस पर जो आपके पानी पर चल रहे हैं ना, उसमें भी क्या है आपका शिप वगैरह के अंदर, वहाँ पर भी क्या है MIG वेल्डिंग है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कल बताना भूल गया, सबमरीन जानते हैं जो पानी के अंदर चलती है, सबमरीन पर हैवी प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर रहता है, ठीक है। तो सबमरीन जो है जो पानी में चल रही है, सीधी सी बात है उस पर जो है उसको बनाने के लिए जो वेल्डिंग की जाएगी वो वेल्डिंग भी कौन सी होगी, वो भी होगी MIG वेल्डिंग। यानी जहाँ पर भी आपको हैवी प्रेशर नज़र आता है वहाँ पर आप सीधे सीधे MIG वेल्डिंग को टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलता है रेफ्रिजरेटर के विभिन्न भागों पर है ना, तो आपको क्या बोलना है TIG, उस कंडीशन में आपको TIG, वहाँ पर प्रेशर तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सबमरीन जैसी चीज़ की बात करता है तो समझ लो यहाँ तो प्रेशर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा MIG। पिछली क्लास को आप देखो तो आपको और अच्छे तरह ढंग से समझ में आ जाएगा। आज के लिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को, हाँ बिल्कुल बात सही है, हाँ मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग MIG, मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, बिल्कुल बात सही है ना सर आपको। अच्छा सॉरी, चलो ठीक है, कर रहे हैं। देखो यार, इंसान सुबह 6 बजे क्या नाम है सो करके ही आएगा, ऐसा थोड़ा है कि वो मतलब डांस करता हुआ आ रहा होगा क्या, है ना कि नहीं। तो बिल्कुल बात थोड़ा सा, चलो ठीक है, इधर ध्यान दो आप। तो सुबह 6 बजे यार तुम ला करके खड़ा कर देते हो, हाँ मायने रखता है यार। चलो इधर देखते हैं अपन कौन सी वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, स्पॉट वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना। हम कौन सी वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, स्पॉट वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, और स्पॉट वेल्डिंग को जरा हम देखते हैं। देखो को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ना आपके सामने, सुबह पढ़ाते हैं तो थोड़ा एक्टिव होने में टाइम, एक्टिव तो है सही लेकिन सारा क्या नाम है फेस को बदलने में टाइम लगता है, उसके लिए क्या करें, ठीक है। इधर ध्यान देंगे, देखो क्या बोल रहा था मैं आपसे, स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है स्पॉट वेल्डिंग देखते हैं भाई। देखो यहाँ आप जो दिखाई, स्पॉट वेल्डिंग करने की एक टेक्निक है ना, इसमें क्या होता है, देखो दो आपके सामने इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे, एक इलेक्ट्रोड ये है एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा जॉब रखा हुआ है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा क्या रखा हुआ, जॉब रखा हुआ है। अब बोले सर ये चीज़ें हमने हमें दिखा रहे हो आप, चलो ठीक है अच्छी बात है हमें दिखा रहे हो, लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान देना कि बोले ये हमारा, हमने कहीं ऐसा वेल्डिंग जॉइंट देखा ही नहीं है। अब आपके दिमाग में चलो हमने ऐसा जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट कहीं देखा ही नहीं है। तो ध्यान से सुनो, आपके घरों में जो क्या नाम है बर्तन वगैरह आजकल आ रहे हैं ना, और जितनी भी चीज़ें जो भी मतलब आजकल नए जो फैशन में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें आपने देखा हैंडल वगैरह को जो जॉइंट किया जाता है, पुराने टाइम में ये जॉइंट हुआ करते थे रिविट के, है ना। पुराने टाइम में ये जॉब हुआ करते थे, मतलब ये जॉइंट हुआ करते थे रिविट के, और रिविट के होने के बाद में जो रिविट थी तो वो जॉब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या कर देती थी, बढ़ा देती थी। अब जॉब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है जो भी आपका घरेलू बर्तन से लेकर और भी कई चीज़ों तक, है ना। तो कुल मिलाकर कहा जाए आपका मामला तो गंभीर हो ही जाएगा, फिर वो महंगा बिकेगा। तो इसलिए लोग अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए, अब हमने जिस वेल्डिंग का सहारा लिया है वो कौन सी है, स्पॉट वेल्डिंग। अब स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, देखो आपने चाय बनाने वगैरह के जो बर्तन वगैरह होते हैं या हैंडल वगैरह जिसमें लगे रहते हैं, उन हैंडल वाले बर्तनों में आपने देखा होगा कि आजकल रिविट नहीं है ना। आप लोग तो घर पर भी बैठे हो आराम से निकाल करके देख सकते हो आप, है ना। तो वहाँ देखना, वहाँ रिविट आपको नहीं मिलेगी, रिविट की जगह क्या मिलेंगे, तीन टिप होंगे, दो टिप होंगे, अलग अलग तरीके के टिप्स दिखाई देंगे छोटे छोटे।
तो वो छोटे छोटे जो टिप है ना, उन्हीं की वजह से वो जो हैंडल है वो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे ना मेरी बात को, आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो एक दूसरे से क्या है, वो हैंडल क्या है उससे जुड़ा हुआ, और कोई मतलब बीच में ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता है जो कि क्या रहा है, जो मैं आप ही दिमाग में ये सोचो कि इसके अंदर कोई फेविकॉल वगैरह ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो उससे चिपकाया जाएगा। नहीं, कोई भी अंदर मटेरियल नहीं डाला जाता, दो सतहों के बीच में ओवरलैप कंडीशन में की जाती है। देखो ओवरलैप, देखो ओवरलैप का मतलब होता है एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ चुकी है, इसे बोलते हैं ओवरलैप, है ना। और ओवरलैप पर हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, हैवी प्रेशर डालते हैं। और जब हम हैवी प्रेशर डालते हैं, देखो इसको दी जाती है एसी सप्लाई से ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है ऊपर से, गर्म होने के बाद में फिर हैवी प्रेशर और डाल दिया जाता है। तो जैसे फोर्स, देखो नीचे फोर्स ऊपर फोर्स, जैसे हम हैवी फोर्स डालेंगे है ना, पहली बात तो ये गर्म हो चुका है, दूसरी जैसे हम फोर्स डालेंगे तो जोर से क्या लगेगा, एकदम से झटका सा लगेगा यहाँ पर, तुरंत क्या हो जाएगा वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो करके ये पॉइंट क्या होते हैं, गर्म होते हैं ये दोनों पॉइंट, क्या होते हैं गर्म होते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये पड़ते हैं ना, उस पॉइंट को गर्म करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अपने यहाँ पे प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होती है। और हीट क्रिएट होने से पहली बात तो इलेक्ट्रोड भी गर्म है, उसके साथ साथ जैसे हम इसको प्रेशर लगाते हैं तो तुरंत ये क्या हो जाती है, दब जाती है। और दबने के बाद में ये तुरंत ही आपका मतलब पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद में हमने दो या तीन टिप लगा दी, और दो या तीन टिप लगाने से एक हैंडल क्या हो गया, जुड़ गया। अब समझो यहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि भाई बताओ रिविट के स्थान पर, रिविट जानते ना, रिविट के स्थान पर किस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए रिविट के स्थान पर किस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्या आंसर लगाना हमेशा याद रखना, किसका यूज़ किया जाएगा भाई, स्पॉट वेल्डिंग का। किसका यूज़ किया जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग का। स्पॉट वेल्डिंग में दोनों परत कैसी होती है, ओवरलैप कंडीशन में होती है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्पॉट वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, पूछ लिया जाए कि स्पॉट वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग है, तो आपको बोलना है अस्थाई वेल्डिंग है। कैसी है, अस्थाई वेल्डिंग। अस्थाई वेल्डिंग का बोले तो अगर हम इसको दोबारा से गर्म कर देंगे और इसके ऊपर चोट पहुंचाएंगे तो ये दोनों पार्ट सेफली अलग हो जाएंगे, मतलब इनका दोनों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, आसानी से ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब शायद उसके बाद में भाई कैसी है, अस्थाई वेल्डिंग है। किस प्रकार का जोड़ प्राप्त होता है, अस्थाई जोड़ प्राप्त होता है। ध्यान रखना हमारे पास जितनी भी वेल्डिंग है, मतलब बाकी सारी जितनी वेल्डिंग हैं उन सब में आपका स्थायी जोड़ प्राप्त नहीं होता, मतलब अस्थायी जोड़ प्राप्त नहीं होता। केवल और केवल हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग है और सीम वेल्डिंग है, इन दो वेल्डिंग के अंदर हमें अस्थायी जोड़ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर कोई बोल देता है रिविट के, रिविट जहाँ रिविट प्रयोग में लाई जाती है वो जॉइंट कैसा होता है, या ऐसे स्थान जहाँ अस्थायी जोड़ बनाना होता है वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ रिविट भी आता है ऑप्शन में, आंसर में। लेकिन अभी तो हम वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो रिविट के स्थान पर कौन सी वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग। तो अस्थायी जोड़ भी किस में मिलेगा, स्पॉट वेल्डिंग के अंदर मिलेगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात आपको अभी नहीं होगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो भाई इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई, टर्नर का भी स्टार्ट करोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। बजरंग लाल जी बोल रहे हैं, और टर्नर का भी स्टार्ट करोगे, देखो सुनो, फिटर के अकॉर्डिंग जो लैथ मशीन पढ़ा सकते थे वो लैथ मशीन फिटर के अकॉर्डिंग पढ़ा दी गई है, बाकी आपके टर्नर के अकॉर्डिंग भी हम एक बार और देख लेंगे उसको। ठीक है, उसमें आपके एक एक पार्ट के बारे में बारीकी से बताना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल लगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, हो सकता है ना। तो करेंगे लैथ मशीन को, है ना भाई, लैथ मशीन को सुनो मेरी बात। अभी तो फिटर के अकॉर्डिंग पढ़ा है भाई, फिटर वालों के पास तो सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा है, उनके क्वेश्चन कम आने वाले हैं, सिलेबस ज़्यादा है। अब लैथ मशीन का सिलेबस फिटर के अकॉर्डिंग हुआ है, मैंने वहाँ क्या डलाया था, फिटर डलाया है ना। और टर्नर के अकॉर्डिंग, टर्नर जो ट्रेड है ना, टर्नर के अकॉर्डिंग जब हम फिटर पढ़ेंगे तो हमें फिटर को एक एक पुर्जे को, एक एक चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो चीज़ों को आप समझो थोड़ा सा, है ना। तो अभी टर्नर के अकॉर्डिंग जब मैं टर्नर के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ना, अभी टर्नर नहीं पढ़ाया है मैंने ना, टर्नर के अकॉर्डिंग तो टर्नर में तो पूरी लैथ मशीन आनी ही आनी है। ठीक है, और बोलो भाई, भाई प्लम्बर तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना सुधीर कुमार जी, भाई प्लम्बर नहीं हो पाएगा, है ना, कारपेंटर भी नहीं हो पाएगा, है ना।
ये सब ट्रेंड है आपको खुद को कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है हमारे को भी। देखो प्लम्बर वगैरह और ये आपका जो टेंडर वगैरह जो आपका इसका कारपेंटर वगैरह जो ये चीज़ें हैं ना, ये आप क्या काम कर सकते हो, आप क्या नाम है जो अपने टूल्स वगैरह हैं वो चीज़ें आप यहाँ से ले पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो अदर जो चीज़ है वो आपकी वहाँ से आप कंप्लीट, जैसे पाइप के जो जॉइंट है। अब देखो अगर कॉमन सिलेबस होता ना, कॉमन सिलेबस होता यानी सारी ट्रेडों को मिक्स करके अगर ये दिया होता ना इस बार, तो ऐसा तो किया नहीं है इस बार। पहले ऐसा होता था तब हम थोड़ा बहुत चैप्टर लिया करते थे हर प्रत्येक जगह से। तो हाँ सर, सीएनसी मशीन भाई कहाँ पढ़ाएंगे भाई, मुझे आप एक बात बताओ, आपके आईटीआई स्तर पर सीएनसी मशीन है ही नहीं, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, सिलेबस में ही नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं है सीएनसी मशीन। हाँ थोड़ा बहुत 19-20 क्वेश्चन बता दूंगा सीएनसी मशीन के बारे में ना, ज़्यादा ऐसा कोई डिटेल नहीं आने वाली, थोड़ा बहुत आता है, हल्का फुल्का जिक्र आता है, 2-4 क्वेश्चन की बात आती, जैसे सीएनसी का पूरा नाम क्या है, सीएनसी मशीन किस मशीन का विकसित रूप है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लैथ मशीन में ही बता दूंगा वो मैं आपको, है ना कि नहीं। अच्छा अब ध्यान सुनो मेरी बात, चलो ठीक है सर, डीजल मैकेनिक कब पढ़ाओगे, अब ध्यान सुनो देवताओं, फिट आपको वो पढ़ा दिया क्या नाम है, 2-स्ट्रोक इंजन पढ़ाया, 4-स्ट्रोक इंजन पढ़ाया, FIP पढ़ाया, कार्बोरेटर पढ़ाया, उसके अंदर वाल्व टाइमिंग पढ़ाया, इंजन के पार्ट्स पढ़ाए, ये सब कहाँ, डीजल इंजन में तो आता है, डीजल मैकेनिक ट्रेड में तो आता है। अच्छा इसको आप कंप्लीट कर लो, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हाँ सर तो हमारा थोड़ा कम पढ़ रहा है, तो ध्यान दो कम तो नहीं पढ़ रहा है वो, उसका क्या करेंगे अपन एक बार इसके क्वेश्चंस ले लेंगे, क्वेश्चंस में थोड़ी सी कमी रही है, मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ, तो क्वेश्चन मैं आपके और ज़्यादा ले लूँगा ना, और क्वेश्चन के साथ में जो भी चीज़ आपकी जैसे छूटी हुई होगी ना थोड़ा बहुत भी, 19-20 भी अगर होगा तो मुश्किल से, है ना, तो वो आपको एक बार क्वेश्चंस ले करके उसको कवर अप कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर फिटर की क्लास कब होती है, चलो ठीक है इसको सब छोड़ो, है ना, आप बेफिक्र रहो, फिटर की क्लास ही चल रही है देवता मेरे, ये मनोज जी बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बोले फिटर की क्लास कब होती है, बोले ये फिटर की क्लास चल रही है देवताओं, हाँ फिटर और वेल्डर की मिक्स क्लास है ये इस टाइम पे, है ना, और उसके बाद में जब हम वेल्डर में जाएंगे तो वेल्डर में और वेल्डर के अकॉर्डिंग और डिटेल से देख लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग में वेल्डर ट्रेड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ जाती है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो मुझे और भी चीज़ें पढ़ानी है भाई देवताओं, अभी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ले जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पढ़ाना पड़ेगा बहुत, अभी तो मेरे पास सिलेबस की कमी थोड़ना है, सिलेबस मुझे पहले एक तरीके से कहा जाए इतना तो मटेरियल देने दो जिससे कि आप कम से कम कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है वाली बात है, तो कुल मिला के सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में जाने दो। अब तुम एक ही ट्रेड से कहा लोगे डीजल मैकेनिक, अब डीजल मैकेनिक ऐसे तो वैसे तो कहा जाए डीजल मैकेनिक भी लार्ज ट्रेड है, उसको भी 2-5 महीने लग जाते हैं पढ़ाने में अगर और ज़्यादा मतलब ITI वाले लेवल से पढ़ाया जाए तो। तो कुल मिलाकर हमें टेक्निकल पॉइंट समझना होता है, यहाँ टेक्निकल पॉइंट समझने के लिए आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं ना, यहाँ हमने स्पॉट वेल्डिंग पढ़ा, छोटा सा पॉइंट है कि भाई जहाँ पर हमारा अस्थायी जोड़ बनाना हो और जहाँ रिविट लगती है उसकी जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसमें अंदर जाओगे तो भाई कॉपर का होता है कितना प्रेशर सेन करने के लिए बनाया जाता है ना, कितने प्लेट की थिकनेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बढ़ाने में तो जितना आप बढ़ाओ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे कितना आ रहा है हमें तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो भाई मैं भी काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मालूम है भाई यहाँ पर सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, इससे आगे नहीं जाना है, और उतने में ही हो जाता है, हम उतना भी नहीं पढ़ते हैं, हकीकत बात तो ये है, हम लोग उतना भी पढ़ लेना तो हमारा वो भी काम कंप्लीट हो जाए, हम क्या करते हैं कि यार कहीं तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कहीं बहुत ना के बराबर पढ़ देते हैं, जहाँ ना के बराबर पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो एक भी जवाब नहीं, जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, मामला बिगड़ जाता है, तो हमें सारी चीज़ों को एक साथ देख करके चलना है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चल रहा हूँ मैं आपकी, अब चल रहा हूँ मैं सीम वेल्डिंग की तरफ, भाई स्पॉट वेल्डिंग कह दो, स्पॉट वेल्डिंग के बाद में अगर हम बात करें सीम वेल्डिंग की, तो स्पॉट वेल्डिंग में तो क्या होता है, 2 प्लेटें रहती हैं, सीम का मतलब सीम से ही मालूम चल रहा है किसी चीज को क्या कर देना, सिल देना, है ना, ध्यान सुनो, स्पॉट में तो क्या होता है, स्पॉट में तो क्या होता है, देखो भाई स्पॉट में होता क्या है, स्पॉट में तो 2 प्लेटें रहती हैं, है ना, अब 2 प्लेटें जो रहती है वो ये 2 प्लेट होगी ना आपकी, ठीक है, ये 2 प्लेटें होगी आपकी,
दो प्लेटें रहती है, तो इन दो प्लेटों को आप क्या कर देते हो, आप क्या कर देते हो, वेल्ड कर देते हो। ठीक है, इन दो प्लेटों को आपने क्या किया, वेल्ड कर दिया। तो वहाँ तो क्या लगते हैं, स्पॉट लगता है, वहाँ तो क्या लगता है आपका, स्पॉट लगता है इस तरीके का, है ना। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा इमेज करना मेरे साथ कि आपने वो चीज़ देखी है नहीं देखी है। आपके घरों के अंदर आपने, आपके ये तो स्पॉट है, ये क्या है, ठीक है, स्पॉट है। आपने अपने घरों के अंदर जो चीज़ देखी होगी, घरों में आपने क्या देखा होगा, घरों में आपने ड्रम देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ड्रम वगैरह यूज़ में, घरों में नहीं आते तो बाहर भी यूज़ में आते हैं ना कि नहीं, गांव वगैरह में तो हर किसी के यहाँ पर रहता है ना, तो उसमें काफ़ी सारा चीज़ें रखते हैं। तो ड्रम वगैरह आपने देखे होंगे, ऊँचे हाइट के देखे होंगे, है ना। तो घर में आपने बर्तन भी देखे होंगे कुछ, है ना, तो ऐसे बर्तन वगैरह देखे होंगे, तो उसमें देखा होगा आपने चद्दर रहती है, चद्दर आकर के ये फोल्ड होकर के और एक जगह पर आकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जैसे मैंने आपको वहाँ बनाया ना, वैसा के वैसे ही मैं आपको यहाँ पर एक और बना के बताता हूँ ना, ताकि आप लोग इस बात को पूरी तरीके से समझ सको। तो देखो इसमें क्या होता है, दो सतह रहती हैं, ठीक है, इन दो सतहों पर हम क्या कर देते हैं भाई, ये दो सतह हैं, ये दो सतह हैं, सतह के ऊपर सतह रख दी हमने, और सतह के ऊपर सतह रखने के बाद में आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो एक तो ये पॉइंट बन गया आपका, ठीक है, ये आपकी एक प्लेट ये आ गई, ठीक है, एक प्लेट आपकी, चलो ठीक है, इसको नहीं बना रहे हैं ना, ठीक है, ध्यान समझना। तो दो, जब हम देखते हैं दो सतह जब होती हैं, सतहों के बीच में क्या होता है, इस तरीके की डॉटेड लाइन देखी होगी आपने, इस तरीके की डॉटेड लाइन देखी होगी, इस तरीके काफ़ी सारी डॉटेड लाइन, छोटी 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 बहुत सारी लाइन देखी होंगी, तो और ऊपर से लेकर नीचे तक रहती है डॉटेड। देखा है नहीं देखा है ऐसा पार्ट आपने ड्रम वगैरह के अंदर, या फिर कोई ऐसी चीज़ बर्तन वगैरह होते हैं जो इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। तो ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट जो बनेगा वो किस तरीके से बन करके तैयार होगा, तो ध्यान समझना। इस जॉइंट को तैयार करने में जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो कौन सी है आपकी, सीम वेल्डिंग है। कौन सी वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग। अब ध्यान सुनो, इसका क्वेश्चन रेलवे में कैसे पूछा गया था, तो जरा ध्यान सुनना। सिलेंडर पहली बार मैंने भी जब देखा था तो मैं भी चौंक गया था थोड़ा, सिलेंडर, और मेरे माइंड में भी कौन सा वाला सिलेंडर आया था, जो अपने घरों में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, बेलन मतलब जो इस तरीके से गोल शेप में होना। सिलेंडरों को बनाने के लिए, सिलेंडरों के निर्माण के लिए किस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सिलेंडर का मतलब हमारा होता है सिलेंड्रिकल सतह, बेलनाकार सतह। बेलनाकार सतह को जॉइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो आपकी कौन सी वेल्डिंग आती है, सीम वेल्डिंग आती है। अच्छा, इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है, इसके अंदर एक फ़ायदा रहता है कि भाई यहाँ पर आपका ये वाला जो जॉइंट रहेगा वो एयर प्रूफ रहेगा और गैस प्रूफ रहेगा, एयर प्रूफ रहेगा और गैस प्रूफ रहेगा। अच्छा, इसमें जो वेल्डिंग जॉइंट रहता है ये भी कैसा आता है कि भाई एक के ऊपर एक ओवरलैप रहता है, ओवरलैप जॉइंट मिलता है, यहाँ कौन सा जॉइंट मिलता है, ओवरलैप जॉइंट मिलता है। दूसरी अगली बात कि भाई ओवरलैप जॉइंट मिलने के साथ 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 ही अस्थायी प्रकार का भी होता है, इसको खोला भी जा सकता है ना, तो भाई गैस प्रूफ भी है, एयर प्रूफ भी है, इसमें क्या नाम है, लिक्विड वगैरह मतलब फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा इस जॉइंट से, इसके साथ साथ आपका अस्थायी जॉइंट भी, अस्थायी जोड़ भी प्राप्त होने वाला और ओवरलैप जॉइंट बनता है, ठीक है। कैसे बनाई जाती है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, गोल गोल जो पहिए सा टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं, पहली बात तो इसमें एसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है, और एसी सप्लाई देने के बाद में भाई इसकी मतलब कहा जाए, एसी सप्लाई देने के बाद में ये वाला व्हील्स क्या रहते हैं, इसको वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, दो प्लेटों को इस तरीके से डाला जाता है, और डालने पर अब जैसे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका मतलब हैवी दिखाया गया है ना, प्लेट की मोटाई बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रही है आपको, है ना, इतनी नहीं होती, कम होती है थोड़ी सी, ठीक है। व्हील का साइज़ थोड़ा छोटा है, देखो बनने के ऊपर थोड़ा सा है, बन गया ऐसा ही, तो कुल मिलाकर के आप इसको यहीं कहीं समझ लो कि भाई होता क्या है, व्हील का साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा और प्लेट थोड़ी कम, थिकनेस कम रहेगी, और जब थिकनेस कम रहेगी तो इसके ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो इस तरीके का डिज़ाइन बन करके आपके सामने नज़र आएगा, ठीक है।
और ये आपको मैंने बता ही दिया कहाँ पर आपका यूज में आएगा, कहाँ दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात? यस सर, ठीक है ठीक है। आर ए सी की क्लास कब होगी? अरे यार ये रेलवे ने क्या करा है, रेलवे ने अलग अलग ब्रांचें कर दी, तो तुम आर ए सी जिन्होंने चूज़ किया हुआ है वो थोड़ा सब्र रखो, टाइम मिलेगा तो हम करेंगे बिल्कुल आपके लिए, ये भी करेंगे भैया हो देवताओं ये भी करेंगे ना सर। हाँ सिलेबस की बात ज़रूर मैं आपकी सुन सकता हूँ भाई। मेरे पास कमलेश जी ने पूछा है कि भाई सर मशीनिस्ट की क्लास का सिलेबस, मशीनिस्ट की क्लास का सिलेबस, आप सुनो मेरी बात, सिलेबस के लिए आप जाओ डीजीटी की वेबसाइट पर, आपके पास जियो वाला मतलब गंदन आदन वो चल रहा है ना आजकल, तो उसको उसमें जाकर लिखो अपना कौन सा डीजीटी का वेबसाइट, डीजीटी डाल दो और डीजीटी डालते आपका तुरंत ही क्या निकल के आएगा उसमें सिलेबस आएगा, उसमें सिलेबस आप डाउनलोड कर लो। किस किस का सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? एक तो अभी डीजीटी ने एक और लिंक डाला है वहाँ पर, उसमें एक नया कुछ पैटर्न डाला है, कॉमन सिलेबस ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन, कॉमन सिलेबस ऑफ आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो कॉमन कॉमन करके जो चीज़ डाली है ना उसने, तो कॉमन का मतलब वो पूरे आईटीआई ट्रेडों में जो 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 सभी में कॉमन है वो सिलेबस उन्होंने डाला है, और वही सिलेबस जो है आपके रेलवे के अंदर भी आ रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको वहाँ से बहुत बेनिफिशियली मिलेंगी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप अपनी मशीनिस्ट ट्रेड है तो मशीनिस्ट ट्रेड का सिलेबस नीचे जा करके स्क्रॉल करना, उसमें काफ़ी सारी ट्रेड है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो उसके अंदर जा करके आप मशीनिस्ट ट्रेड का सिलेबस निकालना, उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दिख तो रहा है ना ये आपको, चलो ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो भाई इतनी आपकी बात समझ में आ गई होगी, ये है आपकी कौन सी वेल्डिंग होगी, सीम वेल्डिंग होगी, ठीक है। अब सीम वेल्डिंग के बाद में, हाँ जी सर जी प्रश्न करवाया करो, ध्यान सुनो, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा लेकिन एक दिन में मैं तीन वेल्डिंग में तो कंप्लीट कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को देखा करो आप, है ना। अभी क्वेश्चंस क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चंस हम काफ़ी सारे ज़्यादा देखेंगे ना, उससे आप बेफिक्र रहिए। अब मान लो मैं डायरेक्ट ही आकर बोल लो जब बताओ सीम वेल्डिंग में क्या होता है, तो तुम बोलो बोले सर पढ़ाया भी करो, है ना, तो पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर, है ना। तो सर मशीनिस्ट का टॉपिक भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल सर पढ़ाएंगे, बिल्कुल सर पढ़ाएंगे, सुजीत शर्मा जी बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। सिलेबस का पीडीएफ तो सेंड कर दिया करो लोको पायलट सेकंड पेपर में इलेक्ट्रिशियन। हाँ भाई सुरेश जी, हर पेपर का जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा आपको पीडीएफ सेंड हो रहा है, आप पीडीएफ डाउनलोड किया करो, तुरंत मिल जाता है 10 से 15-20 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर आपका वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पढ़ाया गया है। अभी जो वेल्डिंग का चल रहा है ये वेल्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगले पॉइंट पर चलने दो चलो, क्योंकि अगली वेल्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है। अब कौन सी वेल्डिंग आने वाली है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, नाम ही इसका अलग है। इलेक्ट्रो स्लैग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ठीक है। चित्र को जरा आप देखना, समझने की कोशिश करना कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा होगा यहां से, है ना। अब जरा समझना जरा मेरी बात को कि ये इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ भाई, दिखा तो दी है वेल्डिंग, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ भाई। एक लीवर का पुल है, लीवर पुल से मतलब क्या होता है, लीवर का पुल क्या होता है, अभी तो अभी लीवर पुल के बारे में भी नहीं मालूम होगा भाई। देखो हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा शायद, है ना। हावड़ा ब्रिज जो होता है, हावड़ा ब्रिज के अंदर हर जगह शाफ्ट मतलब लोहे की छड़ों का यूज़ किया गया है, कहीं पर भी कंक्रीट का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे पुल जिसमें बहुत सारी छड़ों को लगा करके बनाया गया होता है और एक छड़ दूसरी छड़ से कनेक्ट होती है, उसे बोलते हैं लीवर पुल। अच्छा रेलवे के अंदर आप अभी जितना भी देख रहे हो तो पिलर बनाया जाता है, पिलर के बाद में लीवर रख दिया जाता है, फिर पिलर बनाया जाता है, फिर लीवर रख दिया, फिर पिलर बनाया जाता है, लीवर पुल, है ना। मतलब बहुत सारे छड़ें लगा दी जाती है, छड़ों को इस तरीके से लगाया जाता है कि भाई
वो हैवी से हैवी लोड को क्या कर सके, सहन कर सके, तो उसे कहते हैं लीवर पुल। अब लीवर पुल समझ गया ना, रेलवे के जितने पुल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जहाँ जहाँ रेलवे के पुल दिखाई दे रहे हैं आप ध्यान से देखो, जरा दिमाग लगाया करो, फ्लैशबैक किया करो थोड़ा सा। तो भाई ध्यान समझना भाई, तो वहाँ जो लीवर पुल है, अब मान लो किसी छड़ के अंदर, किसी छड़ के अंदर क्या आ गई, कहीं क्रैकनेस आ गया। अब वो लगी हुई शाफ्ट, वहाँ क्रैकनेस आ गया। अब क्रैकनेस आने के बाद आपसे बोला जाए, बोले इस क्रैकनेस को क्या करना है, दूर करना है। अब क्रैकनेस को दूर करना है तो सीधी सी बात है, या तो अब आप उस छड़ को क्या करो, वहाँ से रिमूव करो। अब रिमूव कर रहे हो तो यानी अगर आपने एक छड़ को रिमूव किया, हावड़ा ब्रिज जानते होंगे आप लोग, है ना, पुराने टाइम में तो पेपर देने दूर दूर जाना पड़ता था, तो पूरी दुनिया ही मतलब हिंदुस्तान आधा घूम लेते थे कम से कम, रेलवे है ना, रेलवे इतना कर देती थी कि भाई आराम से अपन इधर उधर सब सभी जगह। अब तुम लोगों की किस्मत में नहीं है तो वो भी क्या करें, है ना। तो अभी देखो वैसे भी रेलवे कोई ऐसा नहीं भेज तो रही है दूर, लेकिन इतना नहीं भेज रही ना। हाँ तो ध्यान समझना जरा, तो आपने देखा होगा, तो अगर हम उस शाफ्ट को रिमूव कर रहे हैं तो शाफ्ट को रिमूव करने के बाद में उसको अगर हम रिमूव करते तो हमारा पूरा पुल का स्ट्रक्चर ही क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। फिर रिमूव करने के बाद में उसमें लगाना और ज़्यादा कठिन पड़ जाएगा। तो कुल मिला करके कहा जाए, अच्छा सर बताओ ना पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। भाई अरविंद कुमार जी बोले कहाँ से, भाई देखो ये तो आप YouTube पर देख रहे होंगे अभी, तो आप तो है ना, मुझे मालूम है आप हमारे ऐप से नहीं YouTube से देख रहे होंगे। आप ऐप डाउनलोड करो, कौन सा ऐप डाउनलोड करो, wifistudy ऐप है ना, तो wifistudy डाल करके उस ऐप को क्या करो, डाउनलोड करो। और जब आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको डाउनलोड होने के बाद में जब आप उसको ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद में आपको अपने आप ही ऑप्शन आएगा, मेरी क्लास जहाँ होगी ना वीडियो क्लास, उसके जस्ट नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और उस ऑप्शन को आप क्या करना, क्लिक करना, तो वहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक PDF डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली। लेकिन ऐप पर जाना पड़ेगा आपको, है ना, बिना ऐप के डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। हाँ समझ गए होंगे आप मेरी बात। हाँ तो मैं बात कर रहा था हावड़ा ब्रिज की, तो ध्यान समझना अगला पॉइंट देखते हैं। तो वहां पर क्या होता है, कोई भी चीज को हम जब वहां वेल्डिंग करना रहता है तो भाई वहीं लगे रहे, वो पार्ट भी वहीं लगा रहे और हम वेल्डिंग भी वहां पर कर दें, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ थर्मिस्ट वेल्डिंग कर सकते हैं, तो मैं भी कहूँगा उनके साथ कि हाँ यार हो तो सकती है। जैसे मान लो कि कोई शाफ्ट है, ये कोई शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ठीक है, और इस शाफ्ट पर यहाँ पर क्या आ गई, क्रैकनेस आ गई। तो क्रैकनेस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और प्लेट लेकर के आ जाऊँ और इस प्लेट के बीच में क्या करो, थर्मिस्ट वेल्डिंग के अकॉर्डिंग मटेरियल को प्लेट के, एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में भर दो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सांस समझो, ध्यान समझो, मैंने आपको बताया था थर्मिस्ट वेल्डिंग के अंदर यूज़ में लाया जाता है बेरियम परोक्साइड, और बेरियम परोक्साइड के विषय में अगर मैं आपसे बात करूँ, बेरियम परोक्साइड के विषय में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो ये वही मटेरियल था जो हमारे युद्ध के मैदानों में हथियारों वगैरह के अंदर बारूद वगैरह जो बनाई जाती थी, बम के गोले वगैरह और भी चीज़ें जो हमारे रॉकेट लॉन्चर वगैरह इनके अंदर जो मटेरियल भरा जाता था वो मटेरियल था, और ये ज़्यादा विस्फोटक होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो आपके पास कोई सेक्शन है उसके अंदर आपको क्या करना है, वेल्डिंग करना, आपने बेरियम परोक्साइड डाला, कम मात्रा में डाला, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे ट्रैक था वहाँ पर फिक्स था, रेलवे ट्रैक के लिए उतना यूज़ में लेना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तो कोई सीमा नहीं है, क्रैकनेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको बेरियम परोक्साइड क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। और बेरियम परोक्साइड अगर ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा मात्रा में आपने डाल दी और आग लगा दी, फिर मामला क्या होगा, तो भाई विस्फोटक है वो तो जलेगा, कम मात्रा में था जलता था तो फायदा देता था, अब ज़्यादा मात्रा में जलेगा तो फिर क्या करेगा, ना तो जॉब रहेगा, ना तुम रहोगे, ना आसपास का एरिया रहेगा, मामला बिगड़ जाएगा सारा का सारा। समझ गए होंगे ना आप मेरी बात को। तो कुल मिलाकर के वहाँ यहाँ थर्मिस्ट वेल्डिंग यूज़ में नहीं आ सकती, लेकिन थर्मिस्ट वेल्डिंग की जगह पर अब जो वेल्डिंग आपके सामने है वो है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भाई ध्यान समझना मेरी बात को ज़रा भाई, ये तो आपका पास जो फिगर है वो बना हुआ है ना,
तो इस फिगर को तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, मैं अपना बनाता हूँ, है ना, ताकि आप लोग इसको और अच्छे ढंग से समझ पाओ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझना मेरी बात को यहाँ पर। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो बड़े बड़े पिलर्स, ये वो आ चुका है 2014 के अंदर प्रश्न, ये आ चुका है, ऐसे ही शब्दों में आया था, ऐसे ही शब्दों में आया हुआ था। ध्यान समझो जरा यहां पर, ये देखो ऐसे दो पार्ट हैं, देखना जरा समझना मेरी बात को। देखो ये क्या है, आपके पास दो इस तरीके के पार्ट मौजूद है ना। अब दो इस तरीके के पार्ट जब आपके पास यहां पर क्या है मौजूद है, तो ध्यान समझिएगा इन दोनों को हमें क्या करना है, परमानेंट जॉइंट करना है। दो बड़े बड़े पिलर या बीम मान लो, इनको हमें क्या करना है, वेल्ड करना है। इसको वेल्ड करने के लिए किस वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का जब हम इसमें यूज करेंगे, तो ध्यान समझना किस तरीके से वेल्डिंग की जाती है। और ध्यान समझो, मैंने आपको बताया था थर्मिस्ट वेल्डिंग के अंदर, थर्मिस्ट वेल्डिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, थोड़ी महंगी रहती है ना। अब थर्मिस्ट वेल्डिंग वाला वीडियो जरूर देख लेना, है ना, थर्मिस्ट वेल्डिंग। और वहाँ एक लिंक और है, उस लिंक से पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान समझो जरा, होता क्या है, थर्मिस्ट वेल्डिंग थोड़ी महंगी वेल्डिंग होती है। जब टूटे हुए रेलवे ट्रैक पर कौन सी वेल्डिंग की जाती है, तो आपको क्या बोलना है, आपके थर्मिस्ट वेल्डिंग ही आएगा। लेकिन अगर हम नए रेलवे ट्रैक की बात करें, तो नए रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि जो पटरी रहती है ना, उसके पटरी का एक फिक्स सेक्शन जो होता है वो काम में लिया जाता है। उसके बाद में उस सेक्शन के साथ में एक और सेक्शन जोड़ दिया जाता है, तब जाकर पटरी की लंबाई बढ़ती चली जाती है ना। तो बार बार हमें जॉइंट करना रहता है, बार बार जोड़ना रहता है। ऐसे अगर हम थर्मिस्ट वेल्डिंग करेंगे, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस जगह पर जब हम यूज़ में लेते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग यूज़ में ले जाते हैं ना। तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग करने का सही तरीका क्या है, तो हमारे को करना कुछ नहीं रहता है यहाँ पर, कि हम सबसे पहले लेकर के आते हैं, हम सबसे पहले लेकर के आएंगे यहाँ पर, जहाँ पर भी हम थर्मिस्ट वेल्डिंग यूज़ में लेते हैं, जहाँ पर भी हम थर्मिस्ट वेल्डिंग यूज़ में लेंगे, वहाँ पर पहले तो जॉब के चारों तरफ साइडों पर, जॉब के चारों तरफ साइडों पर एक कॉपर का, एक किसका, कॉपर का क्या लगाएंगे, एक मतलब बाहर की तरफ से एक आवरण लगा देंगे। अब ये क्यों लगाया जाता है, तो इसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा है, है ना, कि ये कॉपर का लगाया जाएगा, चारों तरफ जाएगा, ये चारों तरफ नीचे की साइड भी जाएगा ना, आवश्यकता होने पर नीचे की साइड जाएगा, ठीक है, नीचे की साइड भी जाएगा। और इसमें ये क्या होंगे, दो छेद भी होंगे, कितने छेद होंगे, दो छेद भी होंगे, ठीक है। अच्छा, दो छेद होने के बाद साथ साथ आपका ध्यान समझना, इसमें दो पाइपलाइन भी जाएंगी, इसमें क्या जाएंगी, दो पाइपलाइन भी जाएंगी, है ना। और पाइपलाइन जाने के साथ साथ क्या होगा, इसमें पानी को भी हम क्या करेंगे, भेजेंगे। तो ध्यान समझना जरा, यहाँ दो पाइपलाइन भी आएंगी, दो पाइपलाइन भी आएंगी, देखो ये, देखो ये दो पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन और ये दो पाइपलाइन, ये दोनों किसकी है, पानी की है, किसकी, पानी, एक तरफ से पानी अंदर जाएगा, ठीक है, और पूरे सेक्शन के अंदर घूमता हुआ, और दूसरी तरफ से पानी कहाँ आएगा, पानी कहाँ आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये किसका होगा, ये बना होगा किसका, कॉपर का बना होगा, ठीक है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक मटेरियल जो है, एक स्पेशल मटेरियल जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे ना, इस एक स्पेशल मटेरियल रखेंगे। स्पेशल मटेरियल के अंदर में होगा क्या, ये देखो इस प्लेट डाली जाएगी इसके अंदर, पहले से प्री मेड होती पहले से, है ना कि नहीं। और इस प्लेट के अंदर ऑलरेडी जो पहले से मौजूद रहेगा वो चीज़ क्या रहेगी, इसके अंदर रहेगा नाइक्रोम का वायर, किसका वायर रहेगा आपका, नाइक्रोम का वायर, है ना। नाइक्रोम के वायर को आप इसको पूरी तरीके से अंदर की साइड आप क्या कर दो, इसको आप इसके अंदर क्या, किसका, नाइक्रोम का वायर आप पूरी तरीके से क्या कर दो, भर दो,
अब मैं देखो जैसे आपको यहाँ से समझने की कोशिश करोगे तो नहीं बैठ रहा होगा दिमाग में, थोड़ा सा और अलग से बताता हूँ इसको अलग सा ध्यान से समझो। प्लेट तो अंदर चली गई, लेकिन प्लेट देखने में कैसी है, तो प्लेट देखने में कुछ इस तरीके की है। इसकी एक फिक्स थिकनेस है, ठीक है, इस थिकनेस है, और थिकनेस के साथ में ये प्लेट आप लोग जब रेलवे में जाओगे तो रेलवे में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो फिक्स थिकनेस है, उस इस थिकनेस के ऊपर आपका अंदर की साइड क्या होता है, नाइक्रोम का वायर डाला रहता है। किसका वायर डाला रहता है, नाइक्रोम का वायर। ऊपर की साइड से तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नीचे की साइड ही नीचे गया होगा, नीचे की साइड से फिर ही ऊपर की साइड जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे आपने प्रेस का एलिमेंट देखा है ना, सेम इस तरीके से इस एलिमेंट की तरह इसके अंदर क्या होगा, नाइक्रोम का वायर होगा। एक पहला सिरा और अंतिम सिरा, पहला सिरा और अंतिम सिरा, पहले सिरे और अंतिम सिरे को हम किससे कह रहे हैं, किसी बैटरी से जोड़ देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान सुनो, ये है किसका वायर, ये है नाइक्रोम का वायर। किसका वायर है, नाइक्रोम का वायर। और नाइक्रोम का लगभग गलना कैसे, ये वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम का मतलब निकल प्लस क्रोमियम, है ना, नाइक्रोम, ठीक है। अब ध्यान समझो मेरी बात को यहाँ पर, और थोड़ा क्लियर समझना कि भाई नाइक्रोम का गलनांक की लगभग कितना होता है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका पहले से ही गलनांक है, तो अब आगे अगला पॉइंट आप जरा समझना, जब इसका गलनांक 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब ये किस तरीके से, क्या नाम है आपके, जब अपन जब इसमें सप्लाई चालू करेंगे, सप्लाई देने के बाद में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ये क्या कर सकता है, ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो सहन करेगा, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में ये जलेगा, ख़त्म होगा, समाप्त होगा। और हमने दोनों सतहों के बीच में रख रखा है इसको, ठीक है, हमने इसको क्या रख रखा है, दोनों सतहों के बीच में रख रखा है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जरा, जैसे हम इसमें क्या सप्लाई देंगे, ये गर्म होना शुरू होगा, इसके बीच में जो एक फिलर मटेरियल भरा जाता है, इसके बीच में क्या भरा जाता है, फिलर मटेरियल भरा जाता है। फिलर मटेरियल के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिलर मटेरियल, फिलर धातु, फिलर धातु में किसका यूज़ होता है, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर आपका यहाँ यूज़ होगा एल्यूमिनियम, ठीक है, दूसरे नंबर पे होगा आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड, तीसरे नंबर पर फेरोसिलिकॉन, चौथा नंबर फेरोमैग्नीज, और अंतिम नंबर पे क्या आ जाएगा, कार्बन। आपको याद होना चाहिए कि यही चीजें थर्मिस्ट वेल्डिंग में थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम का अनुपात था 1:3:1 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम, आयरन और फेरोसिलिकॉन, फेरोमैग्नीज और कार्बन, ये सभी चीज़ें लगभग 19 भी थोड़ा बहुत रहेंगी। अच्छा ध्यान सुनो, मैंने आपको एक और बात बताया, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए मुख्य धातु के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो हमेशा याद रखना एल्यूमिनियम आंसर में आता है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए मुख्य धातु के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो आपका क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, स्टील विस्टील कुछ भी नहीं आता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना हमेशा। अब क्या होगा, जैसे हमने इसके अंदर मटेरियल डाल रखा है, नाइक्रोम का वायर, अच्छा नाइक्रोम का जो वायर है वो है इंसुलेटेड, कैसा है, इंसुलेटेड या कोटेड, है ना, माइका कोटेड, अभ्रक लेपित, कैसा है, माइका कोटेड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाइक्रोम का जो वायर है वो कैसा है, माइका कोटेड, कोटेड का मतलब होता है लेपित, है ना, तो ये किसका है, माइका कोटेड है, यानी अभ्रक लेपित है। जब से आप इसके अंदर सप्लाई चालू करोगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, और सप्लाई चालू करते ही शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो अंदर की साइड ये गर्म करेगा। तार कैसा है, माइका इंसुलेटेड है, बीच में क्या डाला हुआ है, फिलर मटेरियल डाला हुआ है, एल्यूमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है, फेरोसिलिकॉन, फेरोमैग्नीज, ये सब इसके अंदर डाला हुआ है। सप्लाई चालू करोगे आप, सप्लाई चालू करते ही गर्म होगा, गर्म होते ही पिघलना शुरू होगा,
अब पिघलना शुरू होगा तो पिघलने के बाद में होगा क्या, ये साइडों से निकलने की कोशिश करेगा। कहाँ से निकलने की कोशिश करेगा? साइडों से। साइडों से निकलने से बचाने के लिए हमने यहाँ क्या लगा रखा है, कॉपर का एक प्लेट लगा रखी है। कॉपर की प्लेट खोख ली है जिसके अंदर पानी की सप्लाई भी है। अब साइडों से तो ये निकल नहीं सकता क्योंकि हमने कॉपर की प्लेट साइडों में चारों तरफ लगा रखी है ना, चारों तरफ जब ये प्लेट लगा रखी है तो साइडों से तो नहीं निकल सकता। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसी गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये दोनों सतहों को क्या करेगा, ये गर्म करेगा दोनों सतहों को। खुद तो गर्म हो गई होगा, इन दोनों सतहों को गर्म करेगा। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसका नाइक्रोम के वायर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना, तब तक हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसकी दोनों सतह गर्म हो जाएंगी और ये वाला मटेरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आकर के पूरी तरीके से एकदम से अंदर से वार्म अप होकर के, अब क्या करेंगे, ये दोनों को दोनों सतह गर्म हो चुकी है। गर्म होने के बाद में अब हम क्या कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इसके दोनों कनेक्शन को काट देना और इसको छोड़ देना है, ऐसा का ऐसा ही। समझ रहे हो ना मेरी बात? या अधिकतम टेम्परेचर तक ले जाओ, उसके बाद में आप इसको क्या कर दो, छोड़ दो। छोड़ने के बाद में क्या होगा, जब इसके दोनों का सिरे जो है अंदर की तरफ जितना भी खोखला अंदर की तरफ जितना भी भाग है ये पूरा पूरा गर्म हो करके क्या हो जाएगा, इस मटेरियल के साथ में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो ये कितना भी बड़ा सेक्शन हो, इधर की साइड कितना भी लंबा सेक्शन हो, प्लस कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, कितनी भी इसकी डेप्थ क्यों ना हो, उतनी गहराई में भी चला जाएगा, गहराई में भी वेल्ड हो जाएगा और लंबाई से लंबाई में भी वेल्ड हो जाएगा। क्या इसकी जगह पे कोई और वेल्डिंग आ सकती थी क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती। और थर्मिस्ट वेल्डिंग अगर यूज में करोगे तो मैंने आपको बता दिया, वो तो विस्फोटक हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगी, मामला क्या कर देगी, बिगाड़ देगी। तो कुल मिलाकर के सबसे बेस्ट वेल्डिंग है यहाँ पर कौन सी वेल्डिंग है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। नए रेलवे ट्रैक का निर्माण करते समय किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। अच्छा, इसे प्रतिरोध वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसे कौन सी वेल्डिंग भी कहते हैं, इसे कौन सी वेल्डिंग भी कहते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग, है ना। इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, प्रतिरोध वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। अब ध्यान सुनो, जो हमने इससे पहले जो और दोनों जो वेल्डिंग पढ़ी है ना, उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया है। तो जहाँ पर भी रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाए, रेजिस्टेंस का यूज़ कर लिया जाए, वहाँ पर कौन सी वेल्डिंग आ जाती है, ये प्रतिरोध वेल्डिंग का ही प्रकार हो जाती है। समझ गए ना मेरी बात को आप? तो आपको मुझे लगता है ये वेल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं परीक्षाओं में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। फिटर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, बाकी वेल्डर वालों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करना कहाँ से, वाईफाई स्टडी के ऐप से डाउनलोड कर लेना, है ना। और इसके साथ साथ आपकी अगली बात को जरा हम समझ लेते हैं कि भाई करना क्या है अपने को, कि इसके अंदर ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करो, जितने लोग अभी मौजूद है ना वो सारे सारे एक तो लाइक का बटन दबा दिया करो, है ना, इसकी कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना, है ना। और सुबह पूजा जी, मैं समझता हूँ कि सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल है भाई, तुम लोग आपस में ही बात इतनी करते हो क्या? तो हाँ सर जी, मुझे कुछ पूछना है, ये हम पीसीएम ट्वेल्थ वालों ध्यान सुनो, देवताओं मेरे से मत पूछो इस बारे में, है ना, कि देखो मैं तो आपका पीसीएम पढ़ाने वाला हूँ नहीं, पहली बात तो क्लियर कर दूँ, मैं नहीं पढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ मैथ है, वहाँ साइंस है, और भी चीज़ें पढ़ाने में तो पढ़ा दे इंसान, लेकिन वो वाली बात है कि पढ़ के पढ़ाना और एक पहले से काफ़ी टाइम तक अपने क्या किया हो, उसके ऊपर एक गहन अध्ययन किया हो, हमने कई बार पढ़ाया हुआ हो, हमारे पास उसका एक्सपीरियंस हो, हमने उसे एग्ज़ाम पेपर्स के अंदर देखा हो, एग्ज़ाम पेपर्स को हमने बच्चों के मतलब फाइट कराया हो, तो उस एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ हो जाती है। अब एक्सपीरियंस नया जुड़ा है तो आपको क्या है कि किसी एक योग्य टीचर को आपको पकड़ना लेना पड़ेगा और उससे क्या उनसे क्या कि बातचीत करने के बाद में ही आप कर सकते हो ट्वेल्थ के लिए, तो है ना। बाकी अगर आपको इधर से कोई चीज़ हो तो पूछनी हो तो वो आप बता, पीसीएम वालों ने जो मैथ और साइंस फिजिक्स भर रखा है ना, बाकी देखते हैं, कोशिश करते हैं, इसके लिए कोशिश कर सकते हैं हम भी, और क्या करें, है ना, कोशिश करते हैं कि देखो अगर कोई अच्छे से अच्छा मतलब व्यक्ति हम तो कुल मिला कर करेंगे, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। अपना डाउनलोड कर लेना, कहाँ से करोगे भाई, वाईफाई स्टडी का ऐप से, है ना, वाईफाई स्टडी का ऐप पहले डाउनलोड करो, उसके अंदर जाओगे देखो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अपने आप ही आपका क्या हो जाएगी, पीडीएफ
डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में,